हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और वो कहते हैं ना गाइस कि आदमी के मतलब ये ऐसे मान लो कि परिस्थितियां ऐसी आती है कि आदमी को इतना चेंज कर देती है, इतना ज़्यादा चेंज कर देती है कि आदमी मजबूर हो जाता है हर चीज़ को ये करने के लिए कि हाँ अब तो मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम आती हैं या बहुत सारी, जैसे षष्ठी दीदी के सामने अचानक उनकी सासू माँ बीमार हो गई, उनको एडमिट करना पड़ा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि टाइम एक जैसा नहीं रहता है गाइस, चेंज होता रहता है। अगर टाइम चेंज होता रहता है तो उस हिसाब से अपन को चलना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरा टाइम बिल्कुल अभी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है गाइस, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजरी हूँ। और क्योंकि जब माँ बाप है ना अपने बच्चे को शादी करके दूसरे घर भेजते हैं तो वो लड़की बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके जाती है ससुराल में, और जब उसके साथ ऐसा हादसा होता है तो मतलब वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसको वापस सब कुछ करने में बहुत टाइम लगता है गाइस, इसलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए प्लीज़ गाइस। क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, अगर मैं अब आपको मेरे बारे में बताऊंगी तो आप लोग ऐसे सोचेंगे कि ये झूठ बोल रही है, ऐसे वीडियो बना बना के भेज रही है। मैं मेरी बात को नहीं बताना चाहती, लेकिन गाइस एक होता है ना कि जो दोस्त होते हैं उनसे शेयर करने में थोड़ा मन हल्का हो जाता है गाइस, तो मैं वही चाहती हूँ कि मैं मेरी थोड़ी बातें शेयर करूँ आप लोगों से तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते कि आपकी लाइफ में ऐसे भी दिन आएंगे। क्योंकि शादी करके जाते हैं ना जब बहुत सारे सपने लेके जाते हैं गाइस, इतने सपने लेके जाते हैं कि लेकिन जब वो सपने आपके बिल्कुल भी चूर हो जाते हैं तो इतना दिल टूट जाता है गाइस, इतना टूट जाता है कि अंदर से बिल्कुल आदमी टूट जाता है। आप ये सोचते होंगे कि हमेशा वीडियो बनाती है रोती रहती है, गाइस वो बात नहीं है। जिसके साथ जो चीज़ें होती हैं ना उस चीज़ का खुद को पता चलता है। अब सृष्टि दीदी हैं, उनके साथ भी यही केस हुआ था। हैं लेडीज बहुत सारी हैं दुनिया में, सबके साथ ऐसा होता है गाइस, लेकिन कभी कभी किसी लेडीज के साथ में इतना ज़्यादा बदसुलूकी होती है, इतनी ज़्यादा बदसुलूकी होती है कि वो सहन नहीं कर पाती गाइस, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखती है, ये हिम्मत रखती है कि क्या पता आगे जाके उसके अच्छे भी नहीं आ जाएंगे, क्या पता टाइम चेंज हो जाएगा। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं मेरे मम्मी पापा के पास में रहती हूँ, मेरे 10 साल का बच्चा है फ़िलहाल, वो अभी स्कूल गया हुआ है, मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों को ये रोना धोना ये सेट वीडियो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग को कॉमेडी वीडियो अच्छे लगते होंगे, लेकिन गाइस मेरा मन नहीं करता कॉमेडी वीडियो बनाने का। मैं यूँ बिल्कुल ऐसा मन बिल्कुल उतर गया है ना कि मतलब ऐसा मान लो कि गाइस कि किसी 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 बच्चे को और उसकी माँ को जब घर से निकाल देते हैं ना तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना सबसे बड़े वो ही हैं जो आपको सपोर्ट करते, कोई किसी का नहीं है गाइस। सबसे बड़े माँ बाप होते हैं जो आपको जन्म देते हैं, वही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं जगह नहीं बसती, बस वहाँ एक जगह बसती जहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी गाइस कितने दिन तक रह सकते हैं,
आगे लाइफ में तो बढ़ना ही पड़ता है गाइस। अब मैं रोना धोना नहीं करूंगी गाइस, क्योंकि मैं बहुत रो रही हूँ 2 साल से, मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। अगर मैं ऐसे ही रोती रही तो मैं बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाऊँगी, कुछ अपने बच्चे के लिए, कुछ मेरे लिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी गाइस। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए गाइस, प्लीज़ अगर आपके आसपास कहीं जॉब है मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे गाइस कमेंट करके बताइए, मुझे अपने फ़ोन नंबर दीजिए गाइस। प्लीज़ गाइस मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है गाइस, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों से ही बस मेरी उम्मीद है, क्योंकि जिनके घर पे मैं उम्मीद लेके गई थी वहाँ पे अब मेरा कुछ नहीं बचा, मेरा और मेरा बच्चे का कुछ नहीं बचा। जब उनका खुद के खून को उन्होंने घर से निकाल दिया तो फिर मैं क्या हूँ गाइस, मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे। दुनिया बहुत बहुत ख़राब है गाइस, एक एक कदम बहुत बहुत ज़्यादा फूक फूक कर रखना पड़ता है गाइस। ये मान लो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को देख देख के चलना पड़ता है गाइस, दुनिया क्या भूलेगी, समाज क्या भूलेगा, इन इन चीज़ों से गाइस ज़्यादा लेडीज टूट जाती है गाइस। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, तू कैसे जिएगी अब, तू कैसे घर से निकलेगी अब। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा गाइस, स्ट्रॉन्ग बनूंगी जब ही तो मैं घर से निकल पाऊंगी, जब ही तो मैं जॉब कर पाऊंगी, जब ही अपने बच्चे को आगे फ्यूचर के लिए सेट कर पाऊंगी। प्लीज तो गाइस मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, आपसे यही विनती है, मुझे सब्सक्राइब करिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करिए प्लीज़ प्लीज़। आपसे यही निवेदन है, अगर आपको रोना धोना नहीं पसंद है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आज के बाद नहीं रोऊंगी। बस मुझे रोती तो मैं क्या आपके सामने रोती तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता, मुझे ये लगता है कि हाँ मैं किसी से बातें, मेरे मन की बात मैं किसी को बता पा रही हूँ गाइस। प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू गाइस।